क्रसुला प्लांट, जिसे कि वाटर ट्री के नाम से, जेट प्लांट के नाम से और लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा माना जाता है कि घर में लगाना बेहद ही शुभता प्रदान करता है। यदि आप पौधे को घर में लगा रखा है और आप मेहनत नहीं करेंगे तो इसकी शुभता आपके ऊपर नहीं आएगी। यानी कि आपको मेहनत के साथ साथ यह पौधा लगाते हैं तभी यह शुभता प्रदान करता है, और शुभता के तभी आपको प्रदान करेगा जब आप इसको सही दिशा में लगाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस पौधे में बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। यदि आप हफ्ते भर के लिए या 4 से 8 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह पौधा सूखेगा नहीं, यह कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग के अलावा आप इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं तो पत्तियों से भी आप इस पौधे को बना सकते हैं और बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इस पौधे को घर में आप सही दिशा में रखते हैं तो यह शुभता प्रदान जरूर करता है। आपको यह उत्तर दिशा में रखना है। यदि आपके पौधे की पत्तियां इस तरीके से गुलाबी या लाल हो गई हैं तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, बल्कि कुछ मौसम के बदलाव की वजह से ये पत्तियां किनारों पर लाल या गुलाबी हो जाती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि यह पौधा छोटे से पॉट में भी अच्छे से ग्रो करता है। और बात करें इसको रखने की, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, दिशा के हिसाब से आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं कि इसको कहाँ रखें, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे प्रमुख दरवाजे के दाहिने तरफ रखें। आप घर से अंदर हैं और बाहर निकल रहे हो तो आप दाहिने हाथ तरफ इसे रखते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। यह हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सारी ऊर्जा हमारे प्रमुख द्वार से ही अंदर आती है, इसीलिए इसे दाहिने तरफ रखना बेहद ही शुभ होता है। तो मेहनत जरूर करें, इस पौधे का आप जरूर पूरा पूरा लाभ लें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल आसान पल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।